मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दोनों सीटें भाजपा की झोली में गई है। बुरहानपुर से अच्छा जी नेपानगर से मंजू दादू, इसमें जिलाध्यक्ष का माइक्रो मैनेजमेंट बड़ा काम आया है। विरोधियों ने माइक्रो मैनेजमेंट को भी चैलेंज किया था, कई सवाल उठाए थे, लेकिन जो दोनों सीटें जीती है उसके बाद कहीं ना कहीं मनोज लदवे जी का भी कद बड़ा है। भैया कैसी मेहनत और क्या कितना विश्वास था आपको जीत पे? देखिए पहला तो हमारी सरकार, दोनों सरकारें, माननीय शिवराज जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, इनकी जो जनहितैषी योजनाएं थी उन योजनाओं को हमारे कार्यकर्ताओं ने, बूथ के कार्यकर्ताओं ने बखूबी तरीके से जनता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। और हमारी खासकर लाडली बहना योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका जनता ने सीधे लाभ लिया, बिना बिचौलियों के उनके खाते में पैसा आने लगा है, इसलिए जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है। और मैं जीत का श्रेय हमारे बूथ के पन्ना प्रभारी जो नीचे तक जाके काम करते हैं, बड़े बड़े शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, दमखम से हमारे कार्यकर्ता लगे, उनकी ऐतिहासिक मेहनत से ये ऐतिहासिक जीत नेपानगर में भी और बुरहानपुर में भी, साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारा जीत का परचम लहरा है। इतनी उम्मीद थी कि बुरहानपुर में 35,000 करीब और नेपानगर में 44,000 के लगभग जीतेंगे हम? बिल्कुल थी, मेरे पास कागज है, अभी आपको मैं लिस्टेड कागज दिखा सकता हूँ जो हमारे बूथ के अध्यक्ष ने कहा था कि 1,08,000 वोट मिलेंगे। अभी आप देखिए 1,06,000 वोट मिले, हमारे बूथ अध्यक्ष जो बोलते हैं वो करते भी है। विरोधियों ने निशाना भी बनाया था कि जो जिला अध्यक्ष लदवी जी उनका माइक्रो मैनेजमेंट पर सवाल उठाए थे, उसमें क्या कहना? देखिए माइक्रो मैनेजमेंट किसी जिला अध्यक्ष का नहीं होता, माइक्रो मैनेजमेंट पार्टी का होता है, प्लानिंग होती है, और हमारी पार्टी बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट से काम करती है। पन्ना प्रभारी बनाना, पन्ना प्रभारी को अपना पन्ना देना और पन्ना वाला व्यक्ति अपने पन्ने पर रहने वाले परिवार से संपर्क करना, ये माइक्रो मैनेजमेंट तो है। हम बहुत माइक्रो प्लानिंग करते हैं और ये माइक्रो प्लानिंग कल जिला मुझे तो नाम मिल गया है, लेकिन ये प्लानिंग केंद्र से लेकर हमारे पन्ने तक होती है। सरकार में मंत्री पद हो सकता है बुरहानपुर जिले में? बिल्कुल निश्चित रूप से, हमारे अर्चना दीदी पहले भी मंत्री रही है, वो एक सीनियर नेता है, बहुत अनुभवी नेता है और लगातार सक्रिय रही है, इसलिए निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री अर्चना दी बनेंगी और बुरहानपुर विकास जिस बोलती है कि विकास के रास्ते बुरहानपुर पीछे रह गया 5 साल, वो आगे तेजी से चलेगा। ये थे लदवे जी, जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी, इन्होंने दोनों सीटें जिताकर विरोधियों को चुप कर दिया है, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट होता है और ये भाजपा में ही देखने को मिलता है, जिसका उदाहरण आप खुद देख रहे हैं। हमारी खबरों को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक पर देख रहे तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।